गुड मॉर्निंग दादा, गुड मॉर्निंग रवि। सामने आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा हो, इसको सॉल्व करें एक बार। गुड मॉर्निंग कमल किशोर। अब नवो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, इसे सॉल्व करें एक बार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों को स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक बार इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल से शुरुआत करेंगे आज हम लोग, एक बार देखें इसे। गुड मॉर्निंग अंकित। आंसर आ रहा है क्या? हरी, जय हिंद हरी। सर 3 दिन चैट नहीं आ रही थी। मतलब चैट तो डेली आ रही थी। एक बार क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो। अब से गुड मॉर्निंग। मैंने कल आप लोगों को एक चीज बताई थी कि बर की परिमाप क्या होती है, यहां पर परिमाप दे रखी है। परिमाप क्या होती है? 4a। बोलो 4a। 4a की वैल्यू कितनी? 64। a की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी? 16। यही तो हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाए स्मॉल r, स्मॉल r मैंने क्या बोला था आप लोगों को? स्मॉल r क्या होता है? a अपॉन 16, यानी 16 अपॉन 16 इक्वल टू कितना? 1 बना जाएगा। फिर मैंने बोला कैपिटल आर, कैपिटल आर का मतलब ये, तो इसके लिए मैंने बोला था 3/8 इंटू ए, तो ये 3/8 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 6। और मैंने सी के लिए बोला था आप लोगों को 8/6, यानी कि 16/6 8/3। ये तीनों मैच करा, फिर आगे चलते हैं। रेक्टेंगल से शुरुआत करेंगे आज हम लोग। वेरी गुड अंकित, चलो। बिल्कुल ठीक है राधा, बिल्कुल ठीक। क्या आगे चले, शुरुआत करें आज? चलो शुरुआत करते हैं रेक्टेंगल से। इसे उठा रहे, हेडिंग दो रेक्टेंगल। आयत देखो, रेक्टेंगल आयत, आयत। ठीक है गौरव, गुड मॉर्निंग गौरव। ठीक, मैंने क्या कहा? आयत से शुरुआत करते हैं। आयत होता क्या? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आयत है क्या। बिल्कुल जीरो से उठाएंगे, इसके ऊपर लेवल तक कितना ऊपर जा सकता है ये। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ। मैंने कहा एक आयत है,
आयत क्या होता है? सबसे पहले आयत क्या होता है? एक चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? समान होती है। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? समान और समांतर। इसका मतलब ये साइड किसके बराबर होगी? मेरी, इसके बराबर होगी। और दोनों कैसी होंगी? समांतर। समांतर का मतलब ये होता है कि दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अब मुझे बताओ, अगर ये आमने सामने साइड है तो ये भी आमने सामने साइड है क्या? बिल्कुल है। तो ये भी एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, ये दोनों भी आपस में समान और समांतर, ये भी एक दूसरे समान और समांतर है। ठीक है, मैंने कहा कि आयत क्या होता है? आयत एक चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, तथा तथा प्रत्येक भुजा एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर जुड़ी होती है। प्रत्येक भुजा एक दूसरे से कितने पर? समकोण पर या 90 डिग्री के कोण पर जुड़ी हुई होती है। मैंने उसे नाम दे दिए ए बी सी और डी। जैसा कि ए बी है, ए बी की लंबाई को मैंने मान लिया कितना? एल। अगर ए एल है, अगर ये वाली एल है तो ये इसके समान होनी चाहिए, तो ए बी कितनी हो जाएगी? एल। ठीक है, यहाँ पर देखना, इसे मैंने मान लिया बी। अगर ये बी है, अगर ये बी है तो क्या इधर वाली भी बी नहीं हो जाएगी? ये भी बी हो जाएगी, दोनों बराबर है। फिर मैंने कहा कि अगर मुझे बताओ इसकी परिमाप, परिमाप के लिए मैंने क्या किया? मैंने मान लिया मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मुझे परिमाप निकालनी है तो मैंने ए से चलना शुरू करूंगा, फिर बी से सी जाऊंगा, फिर सी से डी जाऊंगा, फिर डी से ए आऊंगा। तो इसी को हम क्या कह देते हैं? परिमाप कह देते हैं। तो परिमाप के लिए हम क्या करें? देखो, एक एल बी, एल बी, इसका मतलब दो बार एल चला मैं और दो बार बी चला, इसका मतलब परिमाप हो गई हमारे पास एल प्लस बी। क्लियर है? अगर हम बात करें इसके एरिया की, इसका क्षेत्रफल, ये होता है परिमाप और ये होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं अब इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल क्या कहता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है? चारों भुजाओं के बंद बीच में जो स्थान है उसी को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। लेकिन अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होती है? किनारे किनारे पर जब हम घूम जाए तो उसी को हम क्या कह देते हैं? परिमाप कह देते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर मैं पूछूं आप लोगों से, विकर्ण, नया कुछ नहीं, अभी तक केवल वही चल रहा है जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, कितना है? इतना आएगा। मैंने क्या कहा, अगर मुझे विकर्ण पूछा जाए तो विकर्ण कौन सा होता है? ये, अगर यहाँ पर देखा जाए थोड़ा ध्यान से तो ये देखो, ये बी और ये एल, ये कितना? 90 डिग्री। इस पर समकोण त्रिभुज लगाएंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसे क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। ठीक है, ठीक। एक चीज और यहां पर लिखिएगा, आयत के दोनों विकर्ण कैसे होते हैं? समान होते हैं। आयत के दोनों विकर्ण कैसे होते हैं? समान होते हैं। ये काटते कितने पर हैं, क्या समकोण बनेगा क्या नहीं बनेगा, वो ज्योमेट्री कैसा, वो ज्योमेट्री अलग से कराऊंगा पूरा, तो वहां पर और डिटेल देंगे। फिलहाल इतना रखो कि इसके दोनों विकर्ण कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? या सुनो, कुछ तो बोल देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, फिर इसके आगे चलते हैं, क्योंकि ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबको याद रहता है, पांचवी क्लास के बच्चे को भी याद होगा। ठीक है, इसे हटा रहा हूँ मैं, ये अगर यहां तक पहुंचे हम लोग तो आगे चलते हैं। यस सर, ठीक है। देखो, मैंने क्या कहा, ये कोई आयत है, आयत है, चलो ये आयत है, इसके अंदर की तरफ मैंने एक रास्ता बना दिया गया, इसके अंदर की तरफ क्या बना दिया मैंने? रास्ता बना दिया गया। ये L है तो ये भी L है, ये B है तो ये भी क्या हो जाएगा? B। जो रास्ते की जो चौड़ाई है वो क्या है मेरे पास? X। रास्ते की जो चौड़ाई है वो मेरे पास कितनी है? X है। तो आप लोगों को बताना है कि जो रास्ता बनाया गया है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जो रास्ता बनाया गया है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, ठीक। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि ये जो रास्ता बनाया गया है इसके अंदर की तरफ, उसका क्षेत्रफल क्या होगा?
उसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पर नाम डाल दूं ए बी सी डी और ये मैंने डाल दिया पी क्यू आर एस, ध्यान से देखना 2x l plus b, कमल देखते हैं। देखो ये है, मैंने क्या किया ए बी सी के क्षेत्र ए बी सी डी के क्षेत्रफल में से अगर मैं पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल घटा दूं, ए बी सी डी के क्षेत्रफल में से अगर मैं पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल घटा दूं तो क्या मुझे रास्ते का क्षेत्रफल नहीं मिल जाएगा? गुड मॉर्निंग पूनम, ठीक है ये वो मिल जाएगा ना। तो मैं देखता हूँ सड़क का रास्ते का क्षेत्रफल, देख लेना इसे, नोट नहीं करना है, नोट तो बस इसका रिजल्ट करना है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो मुझे ये पता है कि बाहर वाले ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या, एल इन टू बी, बोलो यही होगा। मुझे एक चीज बताओ, ये पूरा टोटल कितनी थी, एल ए से बी तक कितनी थी एल, एक्स इधर से कम हुआ, इसका एक्स ही इधर से कम हो गया, बोलो एक्स इधर से कम हुआ और एक्स यहां से कम हुआ, दोनों तरफ से एक्स कम हो गया तो क्या बचा जाए, एल माइनस टू एक्स, बोलो। इसी तरह से एक्स ऊपर से कम एक्स इधर से कम तो यहां से बी की वैल्यू कितनी बची, बी माइनस टू एक्स, बस यही करना था हमें, माइनस का एल माइनस टू एक्स इंटू बी माइनस टू एक्स, आया कहां से वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, फॉर्मूला तो बाद में याद कर ही लेना, ठीक है। जैसे मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूं, ये क्या बनेगा एल बी, मैंने माइनस लगा, इन दोनों को सॉल्व करो, एल बी माइनस का टू बी एक्स, इसके बाद फिर माइनस का टू एल एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस फोर एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा, यही तो बन जाएगा अंदर की तरफ बना रहे तो, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, यहां से क्या आएगा एल बी, इसका अंदर माइनस ले जा रहा हूं तो प्लस का क्या हो जाएगा टू बी एक्स, प्लस का टू एल एक्स माइनस का फोर एक्स स्क्वायर, इससे गया ये। अब ध्यान से देखना क्या मैं इसमें से पूरे में से टू एक्स कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहां से क्या बचेगा बी, यहां से क्या बचेगा एल, यहां से क्या बचेगा टू एक्स। तो मैं क्या करता हूं, मैंने एल को पहले रखा बी को बाद में, माइनस का टू एक्स, ये बनेगा इसका सही रिजल्ट। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, ये बात कब की हो रही है, ये बात कब की हो रही है ये बताओ मुझे, ये बात कब की हो रही है जब रास्ता अंदर की तरफ बनाया जाए, अरे माइनस का टू एक्स होगा, अंदर बनाया है मैंने, ये ध्यान रखना, क्लियर है, नोट कर लें एक बार इसे। ठीक है, चादो स्क्रीनशॉट लेना, ये डेरिवेशन याद नहीं रखना आप लोगों को, केवल इतना याद रखना है जब रास्ता अंदर की तरफ बनाया गया हो, आयताकार मैदान के अंदर की तरफ रास्ता बनाया गया हो तो क्षेत्रफल क्या होता रहता है टू एक्स एल प्लस बी माइनस का टू एक्स, क्लियर है। लेकिन अगर मैं इसकी परिमाप पूछ लूं तो कोई मुझे इसकी परिमाप बताएगा, इसे हटा रहा हूं मैं, रास्ते का क्षेत्रफल होता है टू एक्स एल प्लस बी माइनस का टू एक्स, अगर मैं इसकी परिमाप पूछू तो परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप के लिए मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि क्या करना है, जब भी मुझसे परिमाप पूछी जाती है मैं क्या करता हूँ, इसकी बाउंड्री बाउंड्री पे घूम जाता हूँ। अभी तक जब तक ये आयत था केवल, तो आयत के केवल एक किनारा मिल रहा था हमें, अब क्या हमारे पास रास्ता, तो रास्ते के दो किनारे, एक किनारे ये एक किनारे ये, तो दोनों की पेरिमीटर निकाल के हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, चेक करो, ठीक है। तो अगर मुझसे इसकी परिमाप पूछी जाए, आपको रिजल्ट याद रखना है, मैं एक का निकाल के बता देता हूं, देखो कैसे निकालेंगे। अगर मुझे ये बताओ, अगर मैं इसकी परिमाप निकालूं तो परिमाप क्या आएगी, बाहर वाली भी ये रास्ता है मेरा, अगर एक किनारा होता तो मैं सीधा सीधा ऐड कर लेता, यहां पर किनारे कितने मिल गए दो, एक तो ये किनारा मिल गया और एक ये किनारा मिल गया, दो किनारे मिल गए। तो दोनों किनारों का क्या करेंगे हम, पेरीमीटर निकालेंगे। तो बाहर वाले की पेरीमीटर क्या होगा, टू एल प्लस बी, टू एल प्लस बी, क्या क्लियर है यहां तक, बोलो टू एल प्लस बी बाहर वाले, अंदर वाले की परिमाप क्या होगी, टू एल, एल की जगह पर यहां पर क्या एल माइनस टू एक्स, ठीक है, बी की जगह क्या है यहां पर बी माइनस टू एक्स, बोलो एल बी कर दिया मैंने, दोनों की पैरामीटर ए बी सी डी की परिमाप क्या होती है टू एल प्लस बी,
अंदर वाले पी क्यू आर एस की परिमाप क्या होगी, टू एल माइनस टू एक्स प्लस बी माइनस टू एक्स, यही तो बनेगी। मैंने क्या किया, इसे को मैं सोल्व करता हूं, अगर पूरे में दो को पूरे में से कॉमन ले लिया मैंने, ध्यान से सुनना, तो यहां से क्या एल प्लस बी बचेगा, यहां से तू कॉमन ले लिया तो यहां पर बचेगा एल माइनस का टू एक्स प्लस बी माइनस का टू एक्स, यही तो हो जाएगा। यहां से मुझे एक चीज बताओ, एक एल दो एल, तो यहां से हो जाएगा टू टू एल टू बी और माइनस का फोर एक्स, यह हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हो गया तो क्या मैं इसमें से दो पूरे में से और कॉमन ले लूं, तो यहां से बचेगा एल प्लस बी माइनस का टू एक्स। ठीक है, तो परिमाप क्या हो जाएगी हमारे पास, फोर एल प्लस बी माइनस टू एक्स, केवल ये रिजल्ट याद रखना आप लोगों को। जब अंदर की तरफ रास्ता बनाया जाए तो रास्ते की जो परिमाप होगी वो क्या होगी, फोर एल प्लस बी माइनस टू एक्स। क्लियर है? यस नो, कुछ तो बोलो, देखता हूं, शांत हो जाता हूं, क्या समझ में आ रहा है? एक बार इस रिजल्ट को याद रख लेना, बस यहां से काम चल जाएगा अपना। यस, अगर ये इतना समझ में आ गया तो इसी को थोड़ा सा और बदलते हैं ज्यादा। हाँ चलो ठीक है, इसे उठा रहा हूं मैं। देखिए, यदि इसी आयताकार मैदान के अंदर की तरफ, यदि इसी आयताकार मैदान के अंदर की तरफ बनाई थी, इस बार हम क्या बनाते हैं, चलो बाहर की तरफ बनाते हैं। ये कोई आयत था जिसकी लंबाई l, चौड़ाई b थी, इसके बाहर की तरफ, इसके बाहर की तरफ एक x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, बाहर की तरफ x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। ठीक है, और हमसे पूछा जाए कि रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, तो इस बार मैं ड्राइव नहीं कर रहा था, मैं सीधा फॉर्मूला रखेंगे हम इसका, वहां जहां पर माइनस हो रहा था वहां पर प्लस कर देंगे पिछले वाले के से बस। तो यहां का जो रास्ते का जो क्षेत्रफल बनेगा वो बनेगा रास्ते का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 2x l प्लस बी प्लस 2x। ठीक है, हाँ कमल के सुराब ठीक है, हाँ अरे ये ठीक है, आप ठीक है, जो पहले बोल रहे थे वो गलत था, वो अंदर वाले के लिए था पहले। अब शुरुआत करते हैं इसकी त्रिज्या परिमाप की बात करते हैं, तो परिमाप बताओ मुझे क्या बन जाएगी इसकी, तो इसकी परिमाप हो जाएगी फोर एल प्लस बी प्लस का टू एक्स। क्लियर है, दोनों को नोट किया जाए या स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन करते हैं फिर आगे और करेंगे, और प्रॉपर्टी खोलनी है इसकी अभी। ठीक है, क्या मिटा दूं इसे? ठीक, एक क्वेश्चन सॉल्व करें आप, इसे उठा रहा हूं मैं। देखना, मैंने अगर एल दे दिया, एल दे दिया 100, ध्यान से सुनना, मैंने एल दे दिया 100 और बी दे दिया 50 और रास्ते की जो चौड़ाई है वो मैंने दे दी 5, तो आप लोगों को बताना है रास्ते का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगी, दोनों टिक करें जल्दी से, रास्ते का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगी। यदि मैंने कह दिया एक आयत की लंबाई 100, चौड़ाई 50 तथा इसके चारों ओर बाहर की तरफ जो रास्ता बनाया गया है वहां पर उसकी चौड़ाई कितनी 5, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है आप लोगों को 1600, परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बताने हैं।
हाँ रहे 1610 नहीं, 610 क्या है, गोपेश सिंह, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गोपेश 1600 640, ठीक है भाई, 610 नहीं है, चेक करो 610 नहीं होगा, गलत कर रहे हो सारे। देखो एल की जगह हमें क्या पुट करना है, सिंपल है बहुत, देखो एक्स की जगह हमें क्या रखना है, 5, 2 × 5 बोलो हो जाएगा, 2 × 5, और यहाँ पर ये कितना एल 100 प्लस 50 प्लस 2 × 5 कितना हो जाएगा, ये 150 और 10 160, 110 इंटू 10 कितना 1600, कैलकुलेशन कर लेना घर पे बैठ के। इसी तरह से वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना 4 तो बाहर है ही, एल की जगह 100, बी की जगह 50 प्लस 2x 2 × 5 कितना 10, 150 160 160 करें 640 हो जाएगा ये, हाँ ये 640 ही रहेगा, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। इसकी एक प्रॉपर्टी और उठा लेते हैं, क्लियर है, इसे हटा दूं मैं, देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल चल रहा है, ये तो वो है जो आप लोगों को आता होगा पहले से भी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो शुरू होने वाला है जो आपने नहीं किया हुआ, जो कल हुआ था वही आज हुआ फिर से, उससे पहले सिंपल सिंपल को खत्म कर रहे हैं। मैंने मान लिया अभी तक मैंने बाहर की तरफ बना दिया, एक अंदर की तरफ बना दिया रास्ता, इस बार मैंने क्या किया, दोनों के बीचों बीच बना देते हैं, हटाओ, एक बार बाहर एक बार अंदर बनाया तो एक बार क्या करते हैं, बीच में बना देते हैं, यहां पर रखते हैं, लंबाई एल चौड़ाई बी, इसके बीचों बीच एक रास्ता बना दिया गया ये वाला, और इसके बीचों बीच ये रास्ता बना दी गई, ठीक है, और इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो मैंने मान ली कितनी x है, इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो मैंने मान ली कितनी है x है, तो आप लोगों को रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, आप लोगों को रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, बोलो देखो, चाहो तो इसका पहले डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेते हैं, अगर आप लोगों का मन हो तो बता देना, क्या है कहां से, तो पूर्ण मैं बता दूंगा, ठीक है, देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है x, रास्ते का क्षेत्रफल कब, जब बीच में हो, रास्ते का क्षेत्रफल कब, जब ये बीच में हो, जब कहां पर हो, ये बीच में बना हो, तो यह बनता है एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स, हाँ अंकित हरी बहुत बढ़िया, एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, और अगर मैं इसकी परिमाप पूछूं, इसकी परिमाप बता मुझे, परिमाप, परिमाप क्या होगी, परिमाप मैं, हाँ बहुत बढ़िया गौरव, चलो आगे बताएं, इसकी परिमाप बताएं मुझे, परिमाप बहुत बढ़िया रहते, बहुत देर में दिखे आज, 2l प्लस बी प्लस 2x, प्लस 2x नहीं होगा, माइनस का 2x होगा ये, हाँ गौरव ये ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, माइनस ही था, सॉरी नहीं रवि ये गलत बता रहे हो तुम, क्षेत्रफल है ये जो तुम बता रहे हो, क्षेत्रफल तो ये रखा है, हमसे पूछा गया परिमाप, तो परिमाप क्या होगा, 2l प्लस बी, 2l प्लस बी माइनस का 2x, क्लियर है, अगर हमें इसकी परिमाप पूछी जाए तो क्या होगा, 2l प्लस बी माइनस 2x, क्षेत्रफल क्या होगा, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, क्या किसी को ये तो नहीं जानना कि आया कहां से ये, बताओ फॉर्मूलेशन काम चला लोगे, यही भी बताने क्या आया कहां से, बताओ जल्दी करो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे,
चलो फिर हो जाएगा, यस नो चले। अगर नहीं है तो आप लोगों के सामने फिर से इसी पे एक क्वेश्चन छोटा सा, ज्यादा 10 सेकंड लगनी चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। शुरुआत करें, देखो मैंने मान ली एल दे रखी है पर इस बार 80 और चौड़ाई दे रखी है 60 और ये जो है एक्स, एक्स की वैल्यू दे दी मैंने 2.5। चलो मुझे बताओ इसका क्षेत्रफल बताओ और इसकी परिमाप बताओ, दोनों चीजें बतानी है। इसका क्षेत्रफल बताना है, रास्ता जब बीचों बीच बनाओ तो क्षेत्रफल क्या होगा, एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, परिमाप क्या 2, एल प्लस बी माइनस का 2x। सॉल्व करो दोनों को एक बार, हिट करें जल्दी से। कितना टाइम लोगे, पेरीमीटर 270। अच्छा जी, ठीक है, पेरीमीटर 270 और किसी का एरिया बताओ मुझे कोई, गुड मॉर्निंग मुस्कान, गुड मॉर्निंग, ठीक है 343 हरी, ठीक है एरिया गौरव, नहीं मेरे ख्याल से 343.75 ये करेक्ट है गौरव, एक बार एरिया चेक कर लो फिर से। अरे अप्रोक्सीमेट से ही जा सकते हो, 687 नहीं मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, चलो देखते हैं। देखो मुझे अगर मुझे यहाँ से पूछा जाए कि यहाँ से एरिया क्या होगा तो मुझे बताओ एरिया एक्स, एक्स की वैल्यू 2.5 है, एल की वैल्यू बोलो 80, बी की वैल्यू बोलो 60 माइनस का 2.5, यही तो बनेगा 2.5 और यहाँ के 140 माइनस 2.5 137.5, इसका मतलब ढाई बना, इसका मतलब 300 का अप्रोक्सीमेट कुछ जा रहा हो, 300 क्रॉस, ठीक है तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से, ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, जो आंसर दिखाई दे रहा है 343.75। लेकिन अगर हमसे परिमाप पूछी जाए तो 2 एल प्लस बी 80 प्लस 60 माइनस का कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 135 इंटू 2 कितना हो जाएगा 270, कितना हो जाएगा 270, ठीक है बहुत बढ़िया गोपेस, ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी और है जो आप लोगों ने पढ़ी होगी और उसके बाद कुछ ऐसा होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा, इतना ही बता दूं, केवल उस लिए है वो जिससे आप लोगों के लिए आगे के लिए कोई फ्रॉड ना रहे, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी हजम नहीं होता ये सब चीज़ें, क्योंकि उन लोगों को लगता है जब तक ये एग्जाम एक दो खराब ना हो जाए तब तक वो नींद से जागेंगे नहीं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, एक और पॉइंट रहता है मेरे पास, मैंने कहा एक कमरा मान लिया मैंने, मुझे ये बताओ कमरे की जो दीवारें होती हैं, कमरे की जो दीवारें होती हैं वो किस रूप में होती हैं, आयताकार रूप में होती हैं, आयताकार रूप में होती हैं, घन कराऊंगा घनाव कराऊंगा तब मैं इसे फिर से बताऊंगा, तो फिलहाल बस ये रख लो कि कमरे की जो दीवारें होती हैं, कमरे की जो दीवारें होती हैं वो कैसी होती हैं, आयताकार शेप में होती हैं, आयताकार शेप की होती हैं। अगर मुझे एक चीज बताओ कमरे में दीवारें कितनी होती हैं टोटल, 6, छत सहित छत और नीचे फर्श, छत और फर्श को मिलाकर टोटल कितनी होती है, 6 हिस्से होते हैं जिसमें 4 क्या होती है दीवार होती है, एक फर्श होता है और एक क्या होती है छत होती है, एक कमरा होता है पूरा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ अगर हमसे पूछ लिया जाए, अगर मैंने ये मान लिया लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, हमसे पूछ लिया जाए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसे मैं घराम में अच्छे से समझाऊंगा, फिलहाल रख लो इसे, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से,
कोई बताएगा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल? जब मैं घनाव कराऊंगा तो इसे अच्छे से समझाऊंगा, फिलहाल बस मुझे फॉर्मूला बता दो इसका, जिससे कम से कम आगे बढ़ सके हम लोग। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल नहीं बताओगे? 2l plus b into h, बिल्कुल ठीक है भाई, 2l plus b into h, क्लियर है। अगर मैं कहूं छत सहित कमरे का क्षेत्रफल, छत सहित कमरे का क्षेत्रफल, छत सहित अगर कमरे का क्षेत्रफल निकाले तो 2l plus b into h plus lb, ठीक है। इसमें छत का क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा। हाँ सी भी ले सकते हो, मैंने एल बी एच से ले लिया, बस सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसे हटा रहा हूँ, इसके बाद क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखते हैं कितनों का आता है। इसे हटा दूँ, देखो मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ, क्वेश्चन को लिखते जाना करते जाना। मैंने लिखा एक आयत, एक आयत, आयत की भुज, एक आयत की लंबाई, लंबाई, लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है। आया हुआ किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई कितनी 40 मीटर है, इसके बीचों बीच, इसके बीचों बीच मतलब क्रॉस में, इसके बीच में, बीच में रास्ता बनाया गया, रास्ता बनाया गया, रास्ता बनाया गया, रास्ता बनाया गया शेष भाग पर, शेष भाग पर घास लगा दी गई, घास लगा दी गई, शेष भाग पर क्या कर दी गई, घास लगा दी गई, ठीक है। यदि यदि घास लगे भाग का क्षेत्रफल, यदि घास लगे भाग का क्षेत्रफल, यदि घास लगे भाग का क्षेत्रफल 2109 मीटर स्क्वायर है तो बताना है रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई क्या होगी। ट्राई करो एक बार, अच्छा है, सिंपल नहीं करा रहा ना कि इसमें बिकार बताओ, इसमें ये बताओ, नहीं फालतू का ड्रामा, ठीक से उस समय कर लो, अच्छा है, चल। एक बार सोचो, एक आयत की लंबाई कितनी है 60, चौड़ाई कितनी 40, इसके बीच में, इसके बीच में एक रास्ता बनाया गया, शेष भाग पर घास लगा दी गई। यदि घास लगे भाग का क्षेत्रफल कितना 2109 है तो रास्ते की चौड़ाई बताओ। बहुत बढ़िया है, एक बार देखो इसे, क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है?
कोई आंसर नहीं, यस नो क्वेश्चन समझ में आ रहा है या करवाना है ये तो बता दो मुझे, इतना टाइम लोगे क्या? करवा दो सर, बिल्कुल देखो ध्यान से सुनना, ये देखो ये क्या था, आया था ठीक है, अगर आप लोगों सिंपल सिंपल करवाने तो वो भी करवा सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, टाइम पास ही होना है उस पर जाके। मुझे बताओ मैंने ये बनाया रास्ता, ये बनाया रास्ता, मैंने ये कहा एक 60 मीटर तथा 40 मीटर, ये क्या है 60, ये क्या है 40 मीटर लंबाई चौड़ाई वाला क्या है आयत है, इसके बीच रास्ता बनाया गया और शेष भाग पर, शेष भाग पर ये से ध्यान रखना, यानी कि घास किस पर लगाई है हमने, घास फूस इस पर खड़ी की है हमने, घास फूस इस पर खड़ी की है, घास फूस इस पर खड़ी की है, इस पर की है, बोलो घास यही तो लगाई होगी हमने, क्लियर है? मैंने क्या कहा था कि इसमें से एक रास्ता बनाया और शेष भाग पर क्या लगा दी, घास लगा दी, तो घास कहाँ लगाई, यहाँ लगाई, यहाँ और यहाँ और यहाँ, यहीं पर तो घास लगी थी। अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग, अगर मैं इस पूरे के क्षेत्रफल में से मैं इन चारों का क्षेत्रफल घटा दूं तो क्या मुझे रास्ते का क्षेत्रफल नहीं मिल जाएगा, क्या रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा, तो मुझे बताओ रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल में से मैं चारों का क्षेत्रफल घटा देता हूं इनका, तो रास्ते का तो बच जाएगा हमारे पास, ठीक है? तो मैंने जैसे ही रखा यहां पर तो मुझे बताओ रास्ते का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, और इन चारों का क्षेत्रफल कितना दिया उसने, 2109, कहां गया 2109, 2400 में से जैसे 2109 जाएगा मुझे बता दो कितना बचेगा यहां से, एक बार देखेंगे 2400 में से 2109 माइनस करो, यहां से बचेगा 1, ये बचेगा 19 और यहां से आ जाएगा 2, ये बचेगा कितना हमारे पास 291, बोलो क्लियर है? जब यहां तक बात क्लियर हुई हम लोगों की तो मैंने एक चीज बताई थी, रास्ते का हमारे पास क्षेत्रफल क्या होता है, x l प्लस बी माइनस का 2x, यही तो होता है, बोलो यही तो होता है, गलती कर दिया, माइनस x होता है, x l प्लस बी माइनस x यही तो होता है, l प्लस बी माइनस x इक्वल टू कितना दिया 291, यही तो दिया। मुझे एक चीज बताओ x मुझे निकालना है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई 60 और 40 कितनी 100, 100 माइनस x बराबर 291, ठीक है। दो काम कर सकते हैं यहां से, या तो ऑप्शन से वैल्यू उठा के देख लिया ना कि किस पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां पर मैं ऑप्शन दे देता हूं आप लोगों को, पहला दिया मैंने 97, दूसरा दिया मैंने 3, तीसरा दिया मैंने बोथ, और डी दिया नन ऑफ दीज, आंसर बता मुझे क्या होगा, मैंने यहां तक पहुंचा दिया, अब आप लोग सॉल्व करें इसे, 3 97 हो सकता है क्या, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैंने टोटल के मैं से अगर इन चारों का एरिया उठा दिया तो रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा कितना हो जाएगा 291 हुआ, और 291 किसका है, रास्ते का क्षेत्रफल ये, तो यहां से ये क्वेश्चन बन गई, यहां से उठा के ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दो, जिसे सेटिस्फाई कर जाए वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। आंसर अपना 3 करेक्ट है, लेकिन अगर हम 97 रखें तब भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन हमें पता है कि लंबाई चौड़ाई हमारे पास कितनी है 4060, अगर 4060 लंबाई चौड़ाई है तो क्या उसमें 57 मीटर का रास्ता बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एल और बी से 97 बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि एल और बी कितना है 60 और 40 है, जबकि ये कितना 97, तो क्या मैं 4060 मीटर में 57 मीटर चौड़ा रास्ता बना सकता हूं क्या, नहीं बना सकता, तो ये नहीं होगा, वो तो हो ही नहीं सकते, ये 3 करेक्ट होगा अपना आंसर, जनरेट खत्म, क्लियर है? 3 यहां तक क्लियर है, अगर यहां तक क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं, इसे हटा रहा हूं मैं, देखो एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मैंने लिखा एक आयताकार कमरे की लंबाई 30
चौड़ाई 20 है, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी रंगाई या पुताई करवानी है, रंगाई करवानी है, यदि इसमें दो दरवाजे हैं जिनका क्षेत्रफल 3x2 तथा दो खिड़की हैं जिनका क्षेत्रफल 5/2 × 3 है, 5/2 × 3 है, मीटर स्क्वायर है। तो बताओ रंगाई करने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी सेट करें एक बार। एक आयताकार कमरे की लंबाई कितनी 30, चौड़ाई कितनी 20, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी रंगाई करवानी है, यदि इसमें दो दरवाजे जिनका क्षेत्रफल 3x2 मीटर स्क्वायर, एक दरवाजे कही है, तथा दो खिड़की है जिनका क्षेत्रफल, एक खिड़की का क्षेत्रफल कितना है 5/2 × 3 मीटर स्क्वायर है, तो बताओ दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा जिनकी हमें पुताई करवानी है, जल्दी बताएं, सोचें एक बार और हिट करें इसे। क्वेश्चन आसान है, ये कॉन्स्टेबल आराम से मिल जाएंगे तुम लोगों को। आज कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोगों के लिए ऐसा हो कि ज्यादा ऊपर है, बिल्कुल ऊपर नहीं है, बिल्कुल बेसिक चल रहा है। अगर ये भी नहीं आता तो फिर दिक्कत हो जाएगी, देख लेना। एक डाटा गलत है क्या इसमें, एक सेकेंड, इसकी ऊंचाई नहीं दी ना, इसमें ऊंचाई और लिख लेना 10 मीटर, ऊंचाई और लिख लेना रवि। अरे देवता मुझे एक चीज बता, जब एच ही नहीं दिया था मैंने तो चार दीवारों क्षेत्रफल कहां से निकाल दिए तुमने? अरे ये दे दिए, हाँ कमल किशोर ठीक है, मुझे रवि का समझ नहीं आया इसने आंसर कहां से निकाला। हाँ एच ये रखिए 10, आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाए आंसर कहीं से भी निकाल सकते हो, डाटा हो या ना हो, कहां से लाते हो इतना टैलेंट, गजब हो। एच नहीं है, एच ही आ गई, आप करो सॉल्व। चलो सॉरी थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैंने, रह गया उसमें। गुड मॉर्निंग हरिओम, क्या बात है हरिओम, बहुत पहली बार देख रहे हो, इस पर फोन ऐड हो रहे हैं, इसके फॉर्मूला नोट करना है, इस क्वेश्चन को देखना एक बार, किसी का आंसर आ रहा हिट करो, एच कितना है ये जल्दी जल्दी करो, फिर आगे भी कराना है इसमें अच्छा सा कुछ, ऐसे कैसे काम चलेगा। ऑप्शन सर, अरे बिना ऑप्शन के मारो, कैसे कैसे ऑप्शन, वन सिक्स थ्री फोर सेवन थ्री, हाँ ये क्या मजाक कर रहे हो, दोनों लोग अलग अलग निकाल रहे हो, अरे देखता हूँ देखो, मुझे पता है सबसे पहले मैं क्या करूँ, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल दूंगा, उसमें से दरवाजे का घटा दूंगा और खिड़की का घटा दूंगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल यही तो बचेगा। अरे भाई ये लो, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया था क्या होता है, 2l + b, l + b, l कितना है 30, b कितना है
20 इंटू एच, बोलो यही तो होता है, ये कितना हुआ 50, 50 इंटू 20, बोलो 2l प्लस बी इंटू एच, यही तो होता है, ये कितना हो गया 50, 50 500 और ये कितना 1000, कितना हो गया 1000 मीटर स्क्वायर। मुझे एक चीज बताओ, क्या हम दरवाजे की पुताई करवाते हैं? नहीं, पेंट करवाते हैं उसे, तो दरवाजा नहीं पुतवाना हमें। तो दरवाजे के क्षेत्रफल, दो दरवाजे हैं, एक दरवाजे का क्षेत्रफल कितना कहा गया 3 into 2 एक का, तो दो का कितना हो गया बोलो 12, खिड़की का बोलो, एक खिड़की का कितना अपने पास, और देखना रवि फिर से कैलकुलेशन गलती की होगी इसने, आराम से आदत से मजबूर है, ये लो एक खिड़की का इतना, तो दो का कितना हो जाएगा इतना 15, कितना हो जाएगा 15, बताओ ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 27, इसका मतलब इतना तो पुताई होनी नहीं है, तो जो पुताई होनी है वो कितना होगा 1000 में से कितना घटा देंगे बोलो 27, 1000 में से जैसे 27 घटाएंगे ये बचेगा मेरे ख्याल से 973 मीटर स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर होगा। सिंपल से क्वेश्चन को उड़ा देते हो, क्या कर रहे हो, हाँ रवि कर दी गलती, पता था मुझे यही करोगे तुम, चलो ट्राई करो, समझ में आया कि नहीं आया, 963 नहीं हुआ 973 हुआ कमल किशोर, हाँ गौरव, गौरव का ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बार कर चुके हो उसमें भी गलती कर रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। हाँ एक खिड़की जानी थी, तू जानने के लिए तो कुछ भी जान सकती हो भाई, महान हो, जब लिखा है उसमें, इसमें दो दरवाजे मेरे ख्याल से ये दो लिखते हैं ऐसे, देख ये वाला दो होता है रवि, देख लेना आदत से मजबूर, ये दो खिड़की लिखी है, सुधरोगे थोड़ी तुम लोग, चल क्लियर है। अगला क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा नया कंसेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन का इसमें कराएंगे, प्रैक्टिस करेंगे फिर इस पर, देखते हैं अगला जो क्वेश्चन आने वाला है बहुत बेहतरीन रहेगा आप लोगों के लिए, पहली बार ही पढ़ोगे इतना ही बता दूं। देखो मैंने कहा ये और ये, ध्यान से सुनो, मैंने कहा ए बी सी और डी, और मैंने यहां से उठा के ये मिला दिया और ये मिला दिया, सॉरी ज्यादा मिलाया कॉर्नर पर बिल्कुल, और आप लोगों से पूछा जाए आई हमें ये काले भाग का क्षेत्रफल बताओगे, बताओ इस काले भाग का क्षेत्रफल बता दो मुझे क्या होगा, अगर ये काले भाग का क्षेत्रफल बता दो जल्दी से बोलो। मैंने पूछ लिया ये एक आयत है, आयत मान लिया भाई, ध्यान रखना आयत है, तो मुझे बताओ काले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या बता पाओगे, इंक ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि इंक वैसे ही नहीं मिल रही इस समय, चलो हो सकता है नया लग रहा हो, देखो शुरुआत करो, मैंने पूछ लिया जाए अगर मुझे बताओ काले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है काले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो कुछ मत करो, मैंने यहां से देखो थोड़ा सा प्यार से देखो, वैसे ए ई बी, ए बी क्या है एक आयत है, ए बी एक क्या बोल रहा हूँ आयत थोड़ी है, ए बी ए ई बी क्या है एक त्रिभुज है जिसकी लंबाई कितनी है, एक बेस कितना है, क्या इसको मैं एच कह सकता हूँ, बोलो एच कह सकता हूँ, और एच की वैल्यू किसके बराबर है, बी के बराबर है, एच की वैल्यू किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो मैं पूछूं आप लोगों से काले भाग का क्षेत्रफल, काले भाग का क्षेत्रफल कुछ नहीं है, काले भाग का क्षेत्रफल बस इतना है कि एक बटे दो आधार, एक बटे दो आधार, आधार कितना एल, ऊंचाई कितनी बी, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर इसमें ऐसे कोई त्रिभुज बना दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से कितना होगा, आधा होगा, उसका क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, आयत के क्षेत्रफल से कितना होगा, आधा होगा, क्लियर है क्या सर, यही होगा कि और भी हो सकता है, देखो अगर इस तरह से भी आ सकता है, ये वाली लाइन यहां मिलाई, ये वाली लाइन यहां मिलाई, और यहां तो पूछ लिया जाए अब इस काले भाग का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, तब भी सेम आएगा,
ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या फिर यहाँ पर ना मिलाकर इसे मैंने और कहीं मिला दिया, जैसे मैं इसे हटा रहा हूँ यहाँ से, जैसे ये मैंने बना दिया, या फिर ये मैंने बना दिया, या फिर ये मैंने बना दिया, ठीक है। तो सभी का क्षेत्रफल क्या होगा, समान ही होगा, कोई भी बना रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्षेत्रफल क्या होगा, एक बटे दो एल इन टू बी, सवाल के रखो, ठीक है। क्या आगे चल सकते हैं, यस। देखो अगर इसे हटा रहा हूं मैं यहां से, इसे सवाल के रखना, काले वाक का क्षेत्रफल क्या हो गया, एक बटे दो एल इन टू बी, क्लियर है। एक और एल आप लोगों के लिए आ रहा है, देखना, मैंने बनाया एक आयत, एक आयत ये, ठीक, ए बी सी और डी, ठीक, ये ठीक है। मैंने बीच में कोई एक पॉइंट मान लिया, ये केंद्र नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल मिडल में नहीं है, मैंने इसके बीच में एक बिंदु मान लिया जहां से सभी पॉइंट को मिला दिया गया। भाई ये नहीं कि यहां से सी सीधा ऐसे नहीं मिला, यहां पॉइंट पर मिला है, ये बेकार नहीं बना है मैंने, ये टेढ़ मेढ़ी कुछ ही बना सकता है, कहीं भी पॉइंट को रख सकता है इसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने क्या, पी, इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, पी। और उसके बाद इन चारों को पी ए पी डी पी सी और इनके बीच रिलेशन बताना है आप लोगों को, तो इस रिलेशन को याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर पी डी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, सीधा है, ठीक है। ये बेकार नहीं काट रहे भाई, पहले से बता दो, कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट, यहां भी हो सकता है, 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 उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन करेंगे क्या हम लोग, ये चीज है, ठीक है। लेकिन अगर ये बात क्लियर है, ये रेल को याद रखना, इसमें होगा क्या कि वो तीन दे देगा और एक पूछ लेगा आप लोगों से, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को, क्लियर है, यस नो कुछ तो बोलो, इसे याद रखना। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका, शुरुआत करें, दूसरा पॉइंट सुनना, अगर एक पॉइंट पी यहां पर ना होकर, यस नो कुछ तो बोलो, शांत हो जाते वही देवताओं, ये लो इसे हटा दो, बाद में स्क्रीनशॉट लेते रहना। जैसे ही मैंने ये पॉइंट यहां पर ना रखकर मैंने बना दिया, पी कहां पर है, यहां पर है, और पी से मैंने इस बिंदु को भी मिलाया, इसको भी मिलाया, इसको भी मिलाया और इसको भी मिलाया, ये मिलाया मैंने, ठीक है। तो अब क्या रहेगा, बदल जाएंगे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, अपोजिट एंगल वाले एक साथ में रख लो, पी ए बराबर, फिर से यही बनेगा अपने पास रिजल्ट, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर पी बराबर पी डी स्क्वायर प्लस पी वी स्क्वायर, सेम रिजल्ट है, ठीक है। क्या बोलो, एकदम इतनी शांति क्यों, खामोशी, क्या हो गया, बाउंस करना शुरू कर दिया क्या, क्या आगे बढ़े हैं, यस नो, चलने दो, अरे चलने तो देंगे लेकिन टिकना भी तो चाहिए, पता चले सर के ऊपर से बाउंस जा रहा हो, फायदा क्या होगा उसका, क्योंकि इसमें फायदा ये है ना आप लोगों को, अगर एक बार क्लास निकली तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में जहां पर समझ नहीं आया फिर से रिवाइज मार दो क्लास को, फिर से रिवाइज मार दो, एक बार दो बार तीन बार चार बार जितनी बार भी, अपने आप क्लियर हो जाएगा, झंझट खत्म, ठीक है। एक और बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों के सामने, फिर से समझने की कोशिश करते हैं, देखो यहां से आगे वही पॉइंट आ रहे होंगे जो नहीं पढ़े होंगे, आ गया सर बिल्कुल, आगे देखें, अगर मैंने यहाँ पर ले लिया, क्या बताने वाला था अगला पॉइंट, एक सेकंड, अगला पॉइंट क्या था, ठीक है, अगर मैंने इसी पॉइंट मान लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया, ये कहीं भी हो सकता है, मैंने कहीं भी रख लो इसे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसके लिए मैंने रखा ये, और इसके लिए मैंने रखा ये,
और इसे जोड़ा मैंने यहाँ से और इसे जोड़ा मैंने यहाँ से। थोड़ा सा प्यार से समझना इसे, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है आप लोगों के लिए। बुक में नहीं मिलेगा, हर बुक नहीं देगी आप लोगों को। ये देखना, ये मैंने मान लिया A1, ये मैंने मान लिया A2, ये मैंने मान लिया A3 और ये मैंने मान लिया A4, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट मैं लिखाने वाला हूँ वो ध्यान रखना, इसका रिजल्ट जो बनेगा वो बनेगा A1+A2 बराबर A1+A3 और A2+A4। इसमें होगा क्या कि वो पूरे रिजल्ट में से एक दो गायब कर देगा, एक को गायब कर देगा, बार बाकी दे देगा। तो वहां से आप लोगों को निकालना पड़ेगा कि होगा क्या, किसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी साइड क्या होगी, वो सब चीजें आपको लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये आएगा कहां से, यहां से। अगर आप लोगों का मन है तो किसी को ये तो नहीं क्लियर करना कि आया कहां से। अगर आया कहां से तो मैं इसके लिए थोड़ा सा और हिंट दे देता हूं आप लोगों को, थोड़ा याद करने में आसानी हो, कहीं ये ऐसा ना लगे कि हवा में लिखा दिया। तो देखो मुझे ये बताओ, अगर ये आयत है, ये एल है, ये पी है, एक बार इसे प्यार से देख लो, फिर मैं ऐसे बताता हूँ कि आया कहाँ से। और इतना भी बता दूं, ये जो है, ये जो रिजल्ट है वो एल इंटू बी का क्या आएगा, हमेशा आधा आएगा। एल इंटू बी का क्या आएगा, आधा आएगा। एल इंटू बी का हमेशा ये रिजल्ट कैसा आएगा, आधा आएगा, ये याद रखना। A2, A4 या फिर A1, A3 को अगर ऐड किया जाए, इन दोनों का बराबर होगा, इन दोनों का बराबर होगा, ये इनका क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू बी, कुल क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा आधा होगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर ऐसे सोल्व करने के लिए कहूँ तो थोड़ा सा और ऐसे प्यार से देख लो, ये खत्म होता है क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर। जैसे मैंने मान लिया ये क्या मान लिया, ये पी, ए पी बी एक मैंने क्या मान लिया, ट्राइंगल मान लिया जिसकी ऊंचाई कितनी होगी, एक्स। इसी तरह से मैंने एक ये मान लिया, इसकी ऊंचाई मैंने मान ली बाई, तो ये क्या होगा, डी पी सी, ठीक है, या फिर पी डी सी, यही तो बनेगा, ठीक है। पी डी सी का क्षेत्रफल और इस दोनों का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल ऐड करके देखें तो यही तो होगा A1 A3। चलो निकाल के देखते हैं। मैं अगर इसकी बात करूं बी पी सी की, तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो बनेगा 1/2 एल ए, तो एल ए एल इंटू बाई, क्लियर है। वो नीचे वाले का रिजल्ट रखेंगे 1/2 एल इंटू, ये रिजल्ट कितना है, एक्स आ जाएगा, क्लियर है। अगर मैं यहां से 1/2 कॉमन ले लूं, ठीक है, एल भी आ रहा है, एल भी कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा अंदर, बाई प्लस एक्स। और आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि बाई प्लस एक्स, बाई प्लस एक्स मतलब ये वाली दूरी, ये वाली दूरी टोटल कितनी है, बी, तो क्या ये 1/2 एल इंटू बी नहीं हो गया, बोलो, ये आ गया रिजल्ट, क्लियर है। याद रटाना नहीं है, मतलब आया कहां से ये भी बता दिया, यहां से देख लो, क्लियर है। क्लियर है क्या, स्क्रीनशॉट लेते जाओ साथ साथ में, अगर नोट नहीं कर रहे तो, ठीक है। हर बार कुछ नया मिलेगा, उसी का चल रहा है ये, ऐसा नहीं हवा में, बिल्कुल आए हुए क्वेश्चन है इस पर, इसलिए डाले गए हैं यहाँ पे। बाद में पता होना चाहिए, बुक में नहीं मिलेगा, किसी बुक में ढूंढोगे यहाँ पे तो आसपास में, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, चलो इसे हटा दें, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, दोनों गए, ठीक है। आगे चलें, अगर आगे मैं इस पर एक प्रॉपर्टी कराने से, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्वेश्चन करा रहे, इसमें कुछ और कर लेंगे, मैंने मान लिया। चलो एक क्वेश्चन बता मुझे, फिर आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन बताना आप लोगों को, क्वेश्चन क्या होगा, ये एक आयत है, ये एक आयत है, ये है 60, ये है 20, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना एक बार जल्दी से, एड करो जो अभी तक करा है उसी में से पूछा है, सिंपल है, ज्यादा 10 सेकंड का आंसर है, बोलो जल्दी से, 10 सेकंड भी ज्यादा हो जाएगा।
600 600 600 बिल्कुल, इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना था, कहानी खत्म। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, मैंने कहा ये कोई मैदान है, ठीक है ध्यान से सुनो, इसके बाहर की तरफ रास्ता बनाया गया, इसकी जो चौड़ाई है वो है 60 और इसकी जो लंबाई है 60 और चौड़ाई है 40, ठीक है 60 40, ठीक है। एक काम करना, इसे यहाँ से हटा दो, इसका तो आपका करवा भी है, अभी बीच में लेते हैं, हटाओ ये लो, हाँ ये ठीक है, ये 60 और ये मैंने कितना लिया 40, ध्यान से सुनना। और मैंने कहा 60 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस पर घास लगवाई गई, 60 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस पर घास लगवाई गई तो कुल खर्चा 285 है, कुल खर्चा कितना है 285 है, तो बताओ रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, ट्राई करो एक बार। मैंने कहा था एक आयत है जिसकी लंबाई 60, चौड़ाई कितनी 40, इसके बीच में एक रास्ता बनाया गया जिसकी चौड़ाई मैंने मान ली कितनी x, मान ली चौड़ाई कितनी x है, इस रास्ते पर जब मैंने घास लगवाई तो घास का खर्चा कितना आ रहा है 60 पैसे प्रति मीटर की दर से, कितना 285 रुपए आ रहा है, कुल खर्चा कितना 285 रुपए, तो आप लोगों को बताओ रास्ते की चौड़ाई क्या होगी। आंसर आ रहा है क्या, जल्दी करो, कुल खर्चा 285 रुपए, तो बताओ रास्ते की चौड़ाई क्या होगी। ऑप्शन से जल्दी आएगा तो ऑप्शन लिखें, ऑप्शन लिख लेना 3 4 5 6, चलो ऑप्शन से बता दो अब, ठीक है इतना टाइम नहीं लगना, चलो खत्म करते हैं इसे। देखो मुझे पता है कि कुल खर्चा कितना आ रहा है, इतना कम जो 60 पैसे प्रति मीटर की दर से लग रहा है, तो मुझे एक चीज बताओ कुल खर्चा हम कैसे लिखते हैं, कुल खर्चा कब आएगा जब रास्ते का क्षेत्रफल इनटू 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना 60 पैसे, यही तो होगा कुल खर्चा,
कुल खर्चा ये 60 पैसे और यहाँ पे क्या है 285 रुपए, 285 रुपए को मैंने क्या बदल दिया पैसे में, 285/100, 285 × 100 रास्ते का क्षेत्रफल हमने निकाला, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स इंटू 60, क्लियर है, यहाँ से ये गया जीरो, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, मैं इसे 6 से काट रहा हूँ क्या बोलो कट रहेगा क्या, इसे 6 से काट दो, 6 × 24 चार बार जाएगा कितना बचेगा 24 जाएगा तो बचेगा 4, 7 और ये 5 और यहाँ से आ जाएगी 475 = x, x मुझे निकालना है l प्लस b 60 + 40 = 100 - x, यहाँ से आप लोग ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दो जिससे आंसर देख लो कितना आ रहा है, ठीक है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर 3 रखेंगे ये नहीं बन रहा, 4 × 4 ये भी नहीं बनेगा, मेरे ख्याल से 5 होगा, 5 टिक कर देख लेना, 5 को रख के चेक करो क्या 5 से आ रहा है क्या, समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, चलो कोई बात नहीं फिर से बताता हूँ मैं, देखो मुझे एक चीज बताओ कुल खर्चा कब आता है, जो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते के क्षेत्रफल में हम घास कैसे लगा रहे हैं 60 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगवा रहे हैं, इसका मतलब अगर हम कुल खर्चा निकालेंगे तो क्या हुआ, कुल खर्चा बराबर रास्ते का क्षेत्रफल, ये जो होगा रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल इंटू 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 60 पैसे इंटू 60, रास्ते का क्षेत्रफल इंटू 60 पैसे, अब मुझे एक चीज बताओ कुल खर्चा कितना दिया 285 रुपए, यहाँ पे दर किसमें दिए पैसे में, तो क्या मैं इसे 285 मैं 100 का मल्टीप्लाई करके इसे पैसे में नहीं बदल सकता, बोलो रुपए को मैंने पैसे में बदल दिया, तो यहाँ से हो जाएगा 285/100, रास्ते का क्षेत्रफल अपने पास कितना है एक्स एल प्लस बी, एल प्लस बी को हम क्या रखते हैं 100 + 40 - x, यही तो होता है, और ये तो क्षेत्रफल का आ गया फॉर्मूला, यहाँ पर कितना है 60 पैसे की वजह से, 6 से इसे काट दिया, ये आ गया कितना 475, तो जैसे ये 475 हुआ यहाँ पर रखेंगे x, सॉरी ये 60 था ना, 100 - x, ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देख लो जिससे आ जाए, रविंद्र बताओ अब आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइज कर मार लेना फिर से, यस नो कुछ तो बोलो अब आया कि नहीं आया, रेडी ठीक है आए तो वर्ग के क्वेश्चन लगा लेना आप लोग, आयत और वर्ग के सभी क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है आप लोग दो टॉपिक कवर कर चुके हैं अभी तक, हम लोग एक तो स्क्वायर कवर किया हमने और क्या किया रेक्टेंगल, आयत और वर्ग दोनों तो कवर कर चुके हैं अभी तक हम लोग, ठीक है इन दोनों टॉपिक के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो आप लोग, अगर डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, नंबर वही है ठीक है ठीक है, मुझे अगर किसी को डाउट है इनके क्वेश्चन में तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, बाद में देख लेंगे उसे, इन दोनों टॉपिक के पहले क्वेश्चन लगा लो, कल जो करने वाले हैं हम लोग, कल जो आगे करेंगे वो ध्यान रखें, कल जो करने वाले हम लोग एक तो आएगा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और दूसरा होगा सम चतुर्भुज, दोनों एक साथ कवर होंगे, समांतर चतुर्भुज को बोलते हैं पैरेललोग्राम ठीक है, और इसको बोलते हैं रोमबस, ठीक है
कल दोनों इंटर पे खत्म हो जाएंगे दोनों के दोनों, ठीक है। प्रैक्टिस आप लोग घर पे बैठ के करते रहे, ठीक है। और आप लोगों को बताओ साथ मुरैना फिर से 144 लग चुकी है, तो घर पर रहे आराम से और पढ़ते रहे, ठीक है। मिलते फिर कल, थैंक यू। किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट किसी का, कोई डाउट है अभी टाइम है हमारे पास, चाहो तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर कल करेंगे आगे। ओके नोट सर, ठीक है, मिलते फिर कल, थैंक यू।